नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल विलेज किचन में स्वागत करती हूं आज मैं आप सभी के साथ छोले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मैंने ये छोले की रेसिपी बनाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना सबसे पहले मैंने कुछ छोले लिए थे जिसे ओवर के लिए भिगा दिया था उसके बाद सवेरे मैंने इसे धोकर और उबाल लिया है आपको स्क्रीन पर इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा उबलने के बाद ये हमारे छोले पक कर तैयार हो चुके हैं तो मैंने इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज लिए थे जिसे मैंने रफ़ली चॉप किया है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इन्हें हमें रफली ही काटना है उसके बाद कुछ मसाले लिए थे जो मुझे इनमें डालने डालने थे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने इसमें अदरक लहसुन ज़ीरा थोड़ा सा गरम मसाला हरी मिर्च लाल मिर्च और धनिया सूखा धनिया लिया है इसे हमें पीस कर ग्राइंडर में पेस्ट बना लेना है फिर उसके बाद यूज करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है उसके बाद इसमें मैंने तेज़ पत्ता किया है उसके बाद मैं इसमें सूखी लाल मिर्च दे रही हूँ फिर तड़के के लिए मैंने इसमें जीरा ऐड किया है इसे थोड़ा डार्क ब्राउन होने तक हमें पकने देना है इसे पकने के बाद हमें इसके अंदर प्याज भी ऐड करने हैं तो हमारे ये जीरे डार्क ब्राउन हो चुके हैं इस स्टेज पे मैंने इसमें प्याज ऐड करे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा अब प्याज ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा चला लेते हैं ताकि ये हमारे प्याज अच्छे से डार्क ब्राउन हो सके तो आप देख सकते हैं ये प्याज़ हमारे डार्क ब्राउन होने तक भून रहे हैं इसके डार्क ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें जो पिसे हुए मसाले थे वो ऐड कर लिए हैं जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है इसे ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से चला लेना है ताकि हमारे मसाले पक जाएं उसके बाद हमें इसमें बेसिक्स मसाले ऐड करने हैं हल्दी सूखी लाल मिर्च पाउडर उसके बाद नमक स्वाद अनुसार इसे डालने के बाद हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मिला लेना है ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून सकें तो आप देख पा रहे होंगे हमारे जो मसाले हैं ये धीरे धीरे आंच पर पक रहे हैं इसी तरह हमें इसे चलाते चलाते पका लेना है तब तक जब तक हमारे मसाले इसमें से ऑयल रिलीज ना कर दे तब तक हमें इसे फ्राई करना है कुछ देर के बाद आप देखेंगे हमारे जो मसाले तेल और मसाले अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो इस स्टेज पे हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से हमारे मसाले भून के तैयार हो रहे हैं जब तक कि ये तैयार नहीं हो जाते तब तक इसे हमें भून लेना है अच्छे से इसके बाद मैंने इसमें छोले ऐड किए हैं जिन्हें मैंने उबाल रखा था इन्हें भी उबले हुए छोलों को ऐड करने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से चला लिया है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको इस तरह से चलाएं, जो ये ऊपर नीचे तक अच्छे से मिक्स हो जाए इसको चलाते चलाते हमें अच्छे से भून लेना है ताकि हमारा जो मसालों का टेस्ट है और हमारे छोलों का जो टेस्ट है एक जैसा हो जाए इसे पका इसे मसाले के साथ भूनने से हमारे छोले और भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं इसलिए इसे थोड़ी देर मसालों के साथ भून लें इसमें मैंने कुछ हरे धनिया काट के डाल दिए हैं अगर आपके पास टमाटर हो तो उसमें ये टमाटर भी आप डाल सकते हैं मेरे पास टमाटर नहीं थे तो मैंने स्किप कर दिया है तो आप देख ख पा रहे होंगे हमारे जो छोले हैं पककर किस तरह से। इस स्टेज के बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है आप देख सकते हैं पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे पाँच मिनट और पकाया है पकने के बाद देखिए हमारे छोले किस तरह से दिखाई दे रहे हैं यमी और डिलीशियस आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए आप इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए आई होप आप सभी को ये चैनल और रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन दिस चैनल